इन्वेस्टिगेशन में किस नतीजे पे पहुंच पाए हैं? सरकार के आदेश पे जांच टीम का जो गठन हुआ है, हमें और संजय लाडका सर हैं, जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। जिनसे भी जरूरी समझा जाएगा, सबसे इनपुट्स लिया जाएगा, चाहे सोशल मीडिया इनपुट्स हों या लोगों के बयान हों या फिर और तरीके के इनपुट्स हैं, सारी चीज़ों को देख के उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जाए। जांच को लेके समय सीमा दी गई है सर, उसको लेके आप लोग कैसे होमवर्क कर रहे हैं? अभी हम लोग उस समय सीमा का पालन कर रहे हैं, बाकी आके देखते हैं कैसे। आदेश जो है वो जांच का है, तो हम लोग जांच के बारे में ही बात कर सकते हैं, कार्रवाई के बारे में हम लोग नहीं बात। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आ रहा है, गैंग ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने कहा ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो या फिर लोगों के बयान हो, और भी तरीके के जितने इनपुट्स हैं सारे हम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का कुछ इनपुट मिला है क्या सर? मैंने कहा ना, हम इंडिविजुअल कोई नाम नहीं लेंगे, जितने तरीके के इनपुट्स हैं सबको हम लोग लें। यूपी कनेक्शन की भी बात भी आ रही है सर, अब जांच की फाइंडिंग्स हम आप लोग के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक सर, आप देख रहे हैं लाडकर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपने क्या कुछ इन्वेस्टिगेट किया सर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जांच समिति संयुक्त रूप से काम कर रही है, तो साहब ने जो अभी बता दिया है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। यूपी कनेक्शन को लेकर आप लोग कुछ इनपुट्स मिले हैं सर? अभी जस्ट बता दिया है कि जांच चल रही है और जांच के निष्कर्षों के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। तो व्हाट्सएप ग्रुप का क्या नाम था सर, जिससे लोग इस तरह कर रहे हैं? ये कोई भी चीज़ हम डाइवर्ज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हैं जांच के दौरान। ठीक है, शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण ढंग से मामले का समापन किया जा सके, परंतु दुर्भाग्यवश हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका समापन करने में सक्षम नहीं हो पाए, और उसके बाद हमारे सीनियर्स आ गए थे, निर्णय उनके द्वारा दिया जाएगा। लोग ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आपकी मौजूदगी थी और जिस तरह से घटना अचानक से हिंसा में तब्दील हो गई, कैसे ये बेकाबू हुई सर? ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से कुछ उपद्रवी तत्व थे, जिनकी मनसा बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उपद्रव करना है, और इसी निमित्त ऐसा प्रतीत होता है कि लोग बातें बढ़ गई, क्योंकि हमारे सामने ही डीसी सर, डीआईजी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पर उनके द्वारा ये बातें सुनी नहीं गई। उपद्रवियों की शनाख्त में अनेक संख्या के आधार पर अज्ञात लोगों पर करी गई है, और जो हमारे पास फुटेजेज वगैरह रहे हैं, स्थानीय थानों की वजह से वगैरह से जो पहचान ली गई है, उनके आधार पर नेम्ड करी गई।